अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम बना रहे हैं भुना हुआ कीमा, इसको हरे मसाले का कीमा भी कहते हैं। ये है 1.5 किलो और इसमें हम चिकनाई नहीं डालेंगे क्योंकि ये चिकना है चर्बी वाला, और आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है भूखा लें या चिकना लें। फिर हमने बिल्कुल भी नहीं डाला इसमें, और आप लें भूखा तो उसमें आधी प्याली ऑयल लें। और कीमा हमारा 1.5 किलो है, चर्बी वाला है, इसमें हम ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। प्याज है हमारे 1 किलो, 1 किलो प्याज है, 2 चम्मच लहसुन अदरक, 4 टमाटर, आधी गड्डी हरा धनिया, 15 से 20 हरी मिर्चें, 1 चम्मच साबुत गरम मसाला, उसमें सब चीज़ें मिक्स हैं, लौंग, दालचीनी, काली मिर्चें और काला ज़ीरा, और 1 चम्मच लिया हमने गरम मसाला, उसमें लौंगे हैं, दालचीनी, काली मिर्चें और काला ज़ीरा और बड़ी इलायची, और 1 चम्मच हमने वाइट वाला ज़ीरा लिया है, और 1 चम्मच नमक का है, और आप अपने हिसाब से रखें। कीमे में हमने प्याज डाल दी है और चीज़ें हम एक साथ डाल देंगे सारी एक एक करके। ये हरी मिर्चें जाएंगी, इसमें हमने मोटी वाली भी ली है और छोटी वाली भी मिर्चें हैं, दोनों मिक्स है मिर्चें इसमें। 4 टमाटर लिए हैं, 4 मसाले ऐड कर दिए हैं, हरा धनिया रह गया, कीमे की चीज़ हमने इसमें डाल दी है। अब रह गया हमारा हरा धनिया, इसको हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, तो हम 15 से 20 मिनट के बाद फिर आपको हम अपने कीमे की शक्ल दिखाएंगे। अभी हम इसको चूल्हे पे रखेंगे, हमारा कीमा रेडी होने वाला है, बस इसको कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे, फिर हम ऊपर से इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे, फिर हम आपको दिखाएँगे इसका। तो बस 5 मिनट के बाद हम चूल्हा ऑफ कर देंगे, फिर ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे इसमें। और एक बात ये है कि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया, प्याज ने अपना ही पानी छोड़ा है सारा, कीमे में था कुछ पानी, प्याज ने छोड़ा, टमाटर पानी हमने कतरे नहीं डाला इसमें। दोस्तों देखिए कीमा हमारा रेडी हो गया है, इसको हमने 20 से 25 मिनट में तैयार करा है। तो दोस्तों आप देखो हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो गई है, 20 से 25 मिनट में हम इसको तैयार किया है। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको, को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।